किसानों के खातों में जारी की गई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने तमाम उन बातों को भी देश के सामने रखा जो लगातार किसानों की आय दुगनी करने के लिए योजनाओं के तहत किसानों के बीच पहुंची हैं। उसमें कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों से सीधे संवाद किया जो इस विशेष योजना का भी लाभ उठा रहे हैं, साथ ही साथ अन्य तमाम योजनाओं का भी उन किसानों ने लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री ने जिक्र करा 75 साल आजादी के, 75 साल आजादी के एक बड़ा बदलाव के रूप में यह भी दिखाई दे रहा है कि देश में गरीब और किसानों के लिए योजनाएं बनती रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का जमीन पर क्या असर हो रहा है, लाभार्थियों तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं, उसमें किस तरह की अड़चनें आ रही हैं, इसकी पड़ताल खुद नेतृत्व, देश का नेतृत्व खुद कर रहा है। ये हमने देखा सिर्फ आज इस योजना के साथ ही नहीं, इससे पहले गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत भी हमने देखा प्रधानमंत्री ने सीधे देश के तमाम राज्यों में लोगों से सीधे संवाद किया और जानना चाहा। इसी के साथ उन्होंने कई और बातें जो सामने रखी उसमें यह भी उन्होंने रखा कि किस तरह से एफपीओ के जरिए छोटे किसानों को मजबूत किया गया है। साथ ही साथ एक संकल्प के तौर पे उन्होंने यह भी सामने रखा कि जल्द राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने पाम तेल की खेती के लिए आने वाले समय में बड़े बदलावों का भी जिक्र किया, साथ ही साथ किसानों को ज्यादा से ज्यादा उसमें भागीदारी करने की बात की, उससे किस तरह से एक पूरा नया इकोसिस्टम बनेगा खाद्य तेल को लेकर देश में। उन्होंने इस पर जोर दिया कि जब भारत खाद्य निर्यात में मजबूती हासिल कर रहा है तो ऐसे में खाद्य तेल में आत्मनिर्भर होना भारत के लिए बहुत जरूरी है, जिसका सीधा फायदा एक तरह से कह सकते हैं गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा, क्योंकि एक स्वच्छ साफ गुणवत्ता पूर्वक एक तेल मिलेगा लोगों को और इसमें भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आज एक और बड़ी खबर पर हमारी नजर होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। इस बहस का विषय समुद्री सुरक्षा और सहयोग होगा। पीएम मोदी सुरक्षा परिषद में किसी चर्चा की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी ने इस बारे में ट्वीट किया और कहा कि इस खुली बहस में समुद्री अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी तरीके ढूंढने और वैश्विक शांति के लिए समुद्री सहयोग मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बैठक में सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के अलावा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख क्षेत्रीय अधिकारी भी शामिल होंगे। सुरक्षा परिषद में वैसे तो समुद्री सुरक्षा और अपराधों के विभिन्न पहलुओं पर पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन ये पहली बार है जब इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय खुली बहस में चर्चा होगी। दरअसल कोई भी देश अकेले समुद्री सुरक्षा से जुड़े सभी मसलों पर बात नहीं कर सकता, इसलिए सुरक्षा परिषद का इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना महत्वपूर्ण है। भारत इस साल अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस इसके स्थायी सदस्य हैं। और अब बात ताजा खबर की। संसद में आज से मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह की कार्यवाही शुरू हो गई है। दोनों सदन में आज भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन आजादी की लड़ाई की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। वहीं राज्यसभा में सभापति ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। संसद में आज ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया समेत सभी ओलंपिक खिलाड़ियों को बधाई दी गई। हालांकि इस बीच विपक्ष की ओर से पेगासस मुद्दे पर लगातार हंगामा होता रहा, जिसके कारण दोनों सदन की कार्यवाही बाधित भी हुई और अब दोपहर 2 बजे के बाद सदन का कामकाज शुरू होगा। लोकसभा में आज सरकार की ओर से अहम संशोधन विधेयक पेश हुआ। उम्मीद की जा रही है कि जब सदन की कार्यवाही 2 बजे फिर शुरू होगी तब इसे पारित करा लिया जाएगा। 127वें संविधान संशोधन विधेयक में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करने का प्रावधान है।
इसके अलावा लोकसभा में अभी तक 3 विधेयक पारित हो चुके हैं, जिनमें सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक शामिल है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस विधेयक का मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुगम बनाना और देश भर में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आने वाली बड़ी कंपनियों की तुलना में सीमित देयता भागीदारी LLP वाली कंपनियों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद लोकसभा ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक भी पारित किया। इसके तहत संकटग्रस्त बैंक पर लेन देन की पाबंदी लगाने की स्थिति में जमाकर्ता अपनी 5 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकेंगे। इसके तुरंत बाद लोकसभा में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि वह धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में हर हफ्ते हाई कोर्ट को जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्यों से भी अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। धनबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की सड़क हादसे में संदिग्ध मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सुरक्षा के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट की निगरानी में CBI उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रही है। CCTV फुटेज से पता चला था कि एक गाड़ी ने जानबूझकर सड़क किनारे चल रहे जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी। बात कोरोना संक्रमण की, तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आज सुबह से नए दिशा निर्देश लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत 23 अगस्त तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान भीड़भाड़ से बचने के लिए शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। तमिलनाडु में आज से कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रथम वर्ष के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। सरकारी कला और विज्ञान संकाय के कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन कल से दिए जा सकेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार 1 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 50% उपस्थिति के साथ स्कूल दोबारा खोलने पर विचार कर रही है। मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेजों को भी 16 अगस्त से दोबारा खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें पढ़ने वाले अधिकतर छात्रों को कोविड से बचाव के दोनों टीके पहले ही लगाए जा चुके हैं। और कोरोना संक्रमण के मामले कम होते देख दिल्ली सरकार ने आज से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल आंशिक रूप से खोल दिए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कल हुई बैठक में स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने का फैसला लिया गया। कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रवेश से संबंधित जरूरी कार्यों जैसे काउंसलिंग या गाइडेंस और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए दोबारा स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। साथ ही दिल्ली में लंबे समय के बाद आज से साप्ताहिक बाजार फिर से खुल रहे हैं। इससे लाखों छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। इससे पहले 50% वेंडर्स के साथ एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत दी। सरकार ने दिशा निर्देशों के कड़े अनुपालन के साथ प्राधिकृत साप्ताहिक बाजार खोले जाएंगे। किसी भी अवैध साप्ताहिक बाजार को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ये आदेश इस महीने की 23 तारीख तक प्रभावी रहेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कोरोना वायरस का संक्रमण हरियाणा में कम होने लगा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा में चल रहे कोविड लॉकडाउन को सरकार ने 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा लिया गया है। नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी भी हटाई गई है। सरकार ने बैठने की 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पा को खोलने की अनुमति दे दी है। सभी दुकानों और मॉल को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही स्विमिंग पूल भी कोरोना मानदंडों के साथ खुल सकेंगे। अमृतसर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब के DGP के अनुसार अमृतसर के पास के एक गांव से 7 और 8 अगस्त की रात को सूचना मिली कि सरहद पार से ड्रोन आते देखा गया और वहां कुछ गिरने की आवाज आई, जिसमें IED, हैंड ग्रेनेड और बंदूक की गोलियां मिली हैं। कुछ हैंड ग्रेनेड्स रिकवर हुए हैं, कुछ कैटरेजेस रिकवर हुए हैं।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकवरी इज ऑफ अ टिफिन बॉक्स बॉम्ब, अ टिफिन बॉक्स what we will call a improvised explosive device. Our assessment is that this bomb has been delivered through a drone from across the border. और मिडडे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। ये कोरोना के चक्कर में बड़े शहर की डिग्री मिलेगी क्या पता मिलेगी, और वो काम की होगी क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन upgrad.com। और मिड डे प्राइम में आइए देखते हैं अब कुछ खेल जगत की खबरें। और खेल की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं सुचित्रा जी। सुचित्रा, आज तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं त्योहार की तरह से जब खिलाड़ी वापस आएंगे तो आज का दिन होगा, क्या खबरें आज के लिए? जी बिल्कुल, जश्न का जो दौर है वो भी लंबे समय तक जारी रहेगा क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जो शानदार प्रदर्शन किया है भारतीय खिलाड़ियों ने उसका जश्न मनाना बनता भी है। और आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 पदक हासिल किए जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक रहे। इन खेलों में भारतीय महिला खिलाड़ियों का भी शानदार खेल देखने को मिला जहां मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और लवलीना बोरगोहेन ने पदक हासिल किए। यही नहीं, इस ओलंपिक में भारत ने कई नए खेलों में भी खुद को ना सिर्फ उतारा बल्कि बेहतर चुनौती भी पेश की। भारत ने ओलंपिक में अपने अभियान की समाप्ति जैवलिन थ्रो और नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक के साथ की थी। और टोक्यो 2020 में भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक अपने नाम किए। वहीं कुछ खेल ऐसे भी रहे जहां खिलाड़ी पोडियम पर तो नहीं पहुंच पाए लेकिन अपने प्रदर्शन से अलग छाप छोड़ी और सबका दिल जीतने में कामयाब रहे। एक नजर ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों पर। बेहतर खेल भारतीय पहलवान दीपक ने 86 किलो वर्ग में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। कांस्य पदक के मैच में उन्होंने अपने विरोधी पहलवान को जोरदार टक्कर दी। दीपक पर मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड भारी पड़े। दीपक का ये पहला ओलंपिक था और उन्होंने उम्मीद से बेहतर खेल दिखाया। दीपक जब 3 साल बाद पेरिस ओलंपिक में उतरेंगे तो वे मेडल के प्रबल दावेदार होंगे। अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। ओलंपिक में गोल्फ में पदक जीतना भारत के लिए एक सपना है और अदिति अशोक इस सपने के बेहद करीब पहुंच गई थी। वे 3 दिन तक दूसरे स्थान पर थी। वे अंतिम राउंड में पिछड़ गईं और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। तीरंदाज अतानु दास ने प्री क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। अतानु मेडल तो नहीं जीत पाए लेकिन उन्होंने लंदन ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता ओ जिन हेक को हराकर जो कमाल किया उसे शायद ही कोई भूल पाए। रानी रामपाल के नेतृत्व वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा। ये पहला मौका था जब भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। टूर्नामेंट से पहले भारतीय महिला टीम की रैंकिंग 9 थी। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। कांस्य पदक के मैच में भले ही भारतीय टीम नजदीकी मुकाबला हार गई लेकिन उनका ये प्रदर्शन लंबे समय तक याद किया जाएगा। भारत की 4x400 मीटर रिले टीम ने हीट्स में एशियन रिकॉर्ड तोड़ा। हालांकि वे मामूली अंतर से फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए। भारत के रोवर्स अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह ओलंपिक में डबल स्कल्स पेयर के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। वे इवेंट में 11वें स्थान पर रहे जो ओलंपिक खेल में भारत का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। पहली बार किसी भारतीय ने फेंसिंग में हिस्सा लिया। भवानी देवी ने ट्यूनिशिया की नादिया अजीजी के खिलाफ अपना पहला मैच जीता और ओलंपिक में फेंसिंग में कोई मैच जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ये वो खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में पदक नहीं जीत सके लेकिन इनके प्रदर्शन ने उम्मीद जगाई है कि 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।
तो वाकई इन खिलाड़ियों ने पदक तो नहीं लेकिन दिल जरूर जीता और इनके प्रदर्शन का भी हम जश्न मनाते रहेंगे लंबे समय तक, क्योंकि पेरिस में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों में हमें और भी ज्यादा पदकों की उम्मीद रहेगी। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही, वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। आज सावन महीने का सोमवार है और इस मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया और भस्म आरती की गई। पूरे देश में शिव मंदिरों में आज भोलेनाथ का जयकारा गूंज रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।